So welcome friends, again we'll start with our next problem. The problem is 1000 identical drops of mercury are charged to a potential of 1 volt each. They are joined to form a single drop. Okay, so the potential of the drop will be, so this is the homework I'm not going to solve because already I have solved that. Okay, so you just please go through the video. Which video? In that video the coefficients of drops. I think when I started with the potential, in that I have shown you how when 2-3 drops are collected and we are making bigger drops, and from that we have seen for n drops what happens, that you have to do. So this problem you have to do as a homework. Answer is 100 volt. Okay, and direct formula you only tell me. What is that formula? In that video you will get. Okay, now let's go for problem number 4. Okay, in this problem, see, anytime S1 is open and S2 is closed, here S1 is open and S2 is closed, then heat generated in the circuit will be, at first what is there, S1 is closed and S2 is open, so whatever this capacitor is there, that is getting charged through this potential. Now what will happen? Once I open S1 and close S2, now capacitor will start with charging 2 volt. So we will see here how to solve that. Okay, so let's take the idea how to do that. One sec. Okay. Case 1, before S1 is open, अभी close है ना? तो ओपन होने से पहले वो क्लोज था, क्या बनेगा? V इज द पोटेंशियल एंड सपोज Q इज द चार्ज विच इज अप्लाइड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हियर, दैट आई हैव शोन हियर. सो हियर प्लस Q विल कम एंड हियर माइनस Q विल कम. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू CV. नाउ व्हेन S1 विल बी ओपन, ओके, व्हेन S1 विल बी ओपन एंड S2 is closed, मतलब अभी इसको ओपन किया और इसको क्लोज किया, फिगर कैसे बनेगा बेटा? ये ऐसा हो जाएगा. ओके, ये कितना हो जाएगा? सपोज इट इज क्यू डैश, तो ये माइनस क्यू डैश हो जाएगा. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने बताया था ना आपको कि व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज ऑन बोथ प्लेट्स, वी आर कंसीडरिंग द सेम व्हेन वी आर चार्जिंग इट. सो हियर इफ इट इज प्लस, देयर इट विल बी माइनस. सो हियर इट इज से क्यू डैश. पहले केस पे कितना था? क्यू था. अभी कितना वोल्टेज कितना दिया? 2 वोल्ट दिया. ओके, वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू डैश. क्यू इज इक्वल टू सी वी, सो इसका कैपेसिटेंस वो तो सेम ही रहेगा, कैपेसिटेंस सेम है, तो सी मल्टीप्लाइड बाय 2 वी आएगा. तो पहले आया था क्यू इज इक्वल टू सी वी, अभी आ गया क्यू इज इक्वल टू 2 सी वी. तो अभी हीट जनरेटर निकाल रहे हैं, थोड़ा एकदम सिंपल है. पहले हम निकालते हैं कितना चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ, सेकंड बैटरी जब हमने डाला ना, एक मिनट ना, बिकॉज ऑफ द फैन इट इज मूविंग हियर एंड देयर. ओके ओके, चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी कितना गया, तो न्यू चार्ज मतलब अभी जो हमने निकाला वो कितना निकाला? 2 CV, Q डैश माइनस इनिशियल चार्ज, दैट इज Q.
दैट इज सीबी. सो टू सीबी माइनस सीबी, चार्ज कितना मिल गया, सीबी मिल गया. ओके, नाउ हीट, एच मतलब हीट. तो हीट मतलब एक्चुअली द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन दिस होल प्रोसेस व्हाइल इट वाज चार्जिंग, getting charged by this V voltage. After that, the switch S1 open, S2 close, and it was charging by 2V voltage. In this all process, whatever is the change in energy, मतलब पहले कितना था और अभी energy कितना हो गया, that we will calculate. So initial energy कितना हो जाएगा, half QV. Final energy half Q dash V. Energy के तीन formula ना, half CV square, Q square upon 2C, and half QV. आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो हीट मैंने इधर फॉर्मूला यूज करके आपको सॉल्व करके दिया है. ओके, सो एच इज इक्वल टू हाफ क्यू डैश वी माइनस हाफ क्यू वी. तो क्यू डैश वी, तो उसमें क्यू डैश और क्यू वी में क्यू, देर विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, आउटसाइड द ब्रैकेट हाफ वी विल बी कॉम. नाउ क्यू डैश का वैल्यू कितना है, क्यू डैश का वैल्यू है अभी हमने निकाला था कितना है, 2CV. और Q का वैल्यू कितना है, वो है V. ओके, वो है अभी नहीं CV, ये इधर देखो, ये देखो, ये टू डैश माइनस क्यू. हाँ इधर एरो भी निकाला मैंने, तो मतलब ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दिखा है, ये इधर डालने का. तो ये बन गया V, ये बन गया V. ऐसे आता है हीट जनरेटेड हाफ सीवी स्क्वायर. तो पिछले दो तीन दिन के पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें मैंने बोला था आपको कि यू हैव टू यूज द फॉर्मूला हाफ सीवी स्क्वायर, मतलब जो जितना एनर्जी है उतना ही आप हीट जनरेटेड में कर सकते हो. वो दिखाने के लिए ये प्रॉब्लम लिया मैंने. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5. ये थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली. ओके, थोड़ा पढ़ लो प्रॉब्लम को, तब तक मैं थोड़ा अरेंजमेंट करता हूँ. ओके, पढ़िए. ओके, तो क्या प्रॉब्लम है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. ओके, क्या पूछा है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. तो एकदम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट विद दिस प्रॉब्लम ओनली. नेक्स्ट वीडियो विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम. ठीक से देखो, अभी इसमें थोड़ा रूल बताने वाला हूँ आपको, है ना. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ये प्रॉब्लम है आपका, ये डायग्राम को मैंने रिराइट किया है. यहाँ पे क्या क्या देखो, यहाँ पे है और यहाँ पे ये सब है, ये इधर दिखाया मैंने, वो है, ये है कॉमन पॉइंट्स कनेक्टेड है ना, जंक्शन है वो, और इधर एक जंक्शन है. यहां पे बैटरी है प्लस माइनस, यहां पे भी प्लस माइनस, यहां पे भी प्लस माइनस. तो ये बैटरी कितने का है, 5 वोल्ट. दिस इज ऑफ 20 वोल्ट, दिस इज ऑफ 10 वोल्ट. ओके, ये ऊपर जा रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, कैपेसिटर आ रहा है, इधर का 2 माइक्रोफेरेड, इधर का 4 माइक्रोफेरेड, बाकी कुछ बैटरी नहीं आ रही, यहां से भी 2 माइक्रोफेरेड, सब जगह से कैपेसिटर आ रहा है. तो इधर का जो इसका जो पॉजिटिव का वोल्टेज है 20 वोल्ट, दैट आई विल टेक हियर. तो ये पॉइंट बन गया, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ, इसको नोटेशन देते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं इसको और लिख देते हैं. सो उस पॉइंट को बोलते हैं हम एक्स. तो एक्स पॉइंट को क्या है, मेरा 20 वोल्ट. नाउ ये जो तीन पॉइंट यहां पे different batteries are coming. Are you getting my point? Okay. तो यहाँ से अभी here it is plus. So here both ways for the capacitors the terminal will come plus. You have to note down there. समझ गए? मतलब यहाँ पे ये plus है, इसलिए इस capacitor को right को देखो, इस capacitor को इस capacitor plus plus मिलेगा, वो मैंने इधर लिखा है. वैसे ही यहाँ से जाके यहाँ ये 4 माइक्रोफेरेड को भी वैसे ही आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर, ये तो मैंने पूरा बता दिया. ओके, तो फर्स्ट क्या करना है, चार्ज ऑन ए, इसको ए बोला है, ए मतलब सी वन.
ओके वन मिनट है ना, ओके तो कहाँ थे हम, चार्ज चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर सी क्यू इज इक्वल टू सी वी, इसका कैपेसिटेंस कितना है सी वन, और वोल्टेज वोल्टेज देखो वी वन, और वो कैसे कैलकुलेट करना है वो दिखा तुम्हें, इसको वोल्टेज लिखने का V1, ये देखो C1 V1, ये बाद में इसका वैल्यू कैसे आता है दिखाता हूँ, समझ गए। अभी वैसे ही दूसरे के लिए मैंने तो जगह छोड़ा है वो करते हैं, ओके ये पहले वाला मिल गया, ओके दूसरे के लिए दूसरे के लिए हम लिखेंगे ऑन B, फॉर B वी विल राइट C2 V2, और C के लिए लिखेंगे C3 V3। अभी जो मैंने लिया है तो यहां पे देखो ये देखो इधर लिया है 20 माइनस फाइव, तो मैं 20 माइनस फाइव क्यों लिया है ये दिखाता हूं, आई विल एक्सप्लेन। यहां पे कितना है बेटा 20, तो प्लस से माइनस को जाने का लिख लो उधर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द चार्ज गो फ्रॉम प्लस टू माइनस, गो फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो मैंने यहां से यहां गया मैं भी प्लस 20 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, तो इधर मैंने लिखा है देखा है आपको थोड़ा सा नीचे रखो, ये देखो C1 मिल गया आपको 2 माइक्रोफैरड, V1 निकालते समय 20 माइनस 5 सो इट इज 15, सो C1 इनटू V1 15 टू जा 30, सो दिस विल कम 30 माइक्रोकूल, ओके। आफ्टर दैट अभी चार्ज ऑन Q2, सॉरी C2, C2 मतलब B अपना इधर का, ये देखो तो C2 कितना है अपना 2 माइक्रोफैरड, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय अभी 20 से कहाँ गया मैं, 20 से मैं इधर गया, ओके लेकिन बट देखो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कितना है 10 है, ये 10 प्लस है मतलब इधर 10 माइनस आएगा, तो इट विल बिकम 20 माइनस 10, जैसे हमने यहाँ पे किया था 20 माइनस 5 वैसे यहाँ पे करेंगे 20 माइनस 10, इट विल बी 10, 10 टू जा 20, सो दैट विल बी 20 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे क्या करेंगे C3 वो 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ का भी वोल्टेज कितना ले लेंगे 20, एक साइड का 20 हो गया और यहाँ पे ये माइनस 10 ये प्लस 10, तो उसको वो भी लेने का, ओके दैट विल बी 20 माइनस 10, सो इन दैट वे we can do the problem, okay, so if you are having any query ask me on the WhatsApp, I will explain you once again, okay, so let's go for one more problem, let me see, 13 minutes over, okay, problem number 5, one more we will do and then we will go for next, okay, now problem 6, same problem is there, आपको चार्ज निकालना है उसका, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नोट डाउन करो, आई विल गिव यू सम टाइम टू नोट डाउन द प्रॉब्लम, देखो ये प्रॉब्लम नोट डाउन करो और इसका आपको चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है, हो गया ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो अच्छा यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे मैंने इसको ये फटाफट बताता हूँ आपको, एक्स 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 ये कॉमन पॉइंट बनाया मैंने, तो यहाँ पे कितना है C1 2 माइक्रोफैरड, C2 2 माइक्रोफैरड, C3 4 माइक्रोफैरड, नीचे बैटरी कितना है ये है 10 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, ओके तो पहले मैंने इसको लिख दिया, सपोज एक्स इज द चार्ज ऑन अपसाइड, ओके अपसाइड पॉइंट को एक्स मैंने बोला, ओके नाउ चार्ज ऑन C1, C1 मतलब कौन सा आपका ये वाला, इसके ऊपर कितना चार्ज, तो एक्स ये ऊपर का रखा सॉरी चार्ज नहीं है, एक्स को पोटेंशियल बोलना पड़ेगा,
then so here it will be the potential, sorry, charge on C1. So charge on C1, how to calculate? Same here, x, I know, don't know that. So x minus 10, अभी x में से 10 कोट निकालने का, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, सो इधर जीरो पकड़ने का, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको मत देखो अभी, एक नोड पे ही देखने का, इधर कौन सा बैटरी है, 10 वोल्ट का, इसलिए इधर 10 आया, इधर कौन सा बैटरी, बैटरी नहीं, इधर जीरो देने का, और यहाँ पे कितना बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी है, तो उसको 20 देने का, दैट ओनली इज द की. सो दिस इज द थिंग, हाउ मच इट इज देयर, फर्स्ट इज x माइनस 10, सेकेंड इज x माइनस 0, एंड थर्ड इज x माइनस 20. अब इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करो, मतलब क्या, पहला चार्ज निकाला मैंने x माइनस 10 इंटू सी 1, तो इधर आया, दूसरा निकाला x माइनस 0 इंटू सी 2, तो इधर ये दिखा इधर, बाद में x माइनस 20 इंटू सी 3, दिस इज हियर. ओके, अब इसको स्प्लिट करो, सी 1 x, वो सब सॉल्व करो, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू 25/2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अभी आप x निकालने के बाद आपका हो गया काम, फर्स्ट इज x माइनस 10 अपॉन सी 1, ओके, तो x कितना है अपना 25/2, सो 25/2 माइनस 10 इंटू 2, ये कैलकुलेट करने के बाद ये आपको मिलेगा. ओके, सो ट्राई फॉर द आंसर्स एंड शो मी द आंसर्स, इफ यू डू हैव एनी क्वेरी आस्क मी पर्सनली, नो प्रॉब्लम, थैंक यू.